जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव आईटीआई पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में, जिसमें आरआरबी टेक्नीशियन के लिए एक नोटिफिकेशन निकल के आया है, जो जिसमें कि कहा गया है कि टेक्नीशियन के लिए एप्लीकेशन का पोर्टल फिर से ओपन किया जाएगा, जो कि ओपन करने का डेट आपका 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक है। 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक फिर से फॉर्म रीओपन होगा, जिसमें नए स्टूडेंट जो कि अभी आईटीआई पास किए हैं सितंबर में, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो तीन क्वेश्चन था बहुत सारे स्टूडेंट का, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर देंगे। जिसमें कि पहला क्वेश्चन लोग का था कि फॉर्म जो फिर से खुला है, वो क्या पहले वाले जो फॉर्म भर चुके हैं उनको अगर जोन चेंज करना हो, एडिट करना हो, तो क्या वो कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, कुछ स्टूडेंट कॉल कर रहे थे कि जो हम अभी पास आउट हुए हैं वो क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि क्या फॉर्म को जो अब हम फिर से मॉडिफाई करेंगे या एडिट करेंगे तो उसका चार्ज भी लग रहा है क्या, क्योंकि नए वाले जो फॉर्म भरेंगे उनको तो फी पेड करना पड़ेगा, तो जो एडिट करेंगे उनको क्या फॉर्म एडिट करने का फी पेड करना पड़ेगा, तो इन सभी के बारे में डिटेल बात कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म रीओपन हुआ है तो क्यों हुआ है। फॉर्म रीओपन इसलिए हुआ है कि वैकेंसियां पहले 9,000 सीट के लिए था, अब लगभग वैकेंसी बढ़ा के 14,500 वैकेंसी कर दिया गया है, और इससे पहले जो निकाला गया था वैकेंसी वो टोटल 1 से लेके 18 पोस्ट के लिए, 18 तरह के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें कि पोस्टों की संख्या बढ़ाया गया है। अब पोस्टों की संख्या टोटल बढ़ा के 40 तक कर दिया गया है, यानी कि 40 तरह के पोस्ट अब रहेंगे जिसपे कि फॉर्म भरा जाएगा। तो इससे पहले जो अप्लाई किए थे वो अप्लाई किए थे 18 पोस्ट के लिए ही, लेकिन अब चूंकि 40 पोस्ट के लिए हो गया है, तो जो पुराने स्टूडेंट पहले भी फॉर्म भर चुके थे उनको भी फॉर्म में पोस्ट प्रिफरेंस और जोन भी वो चेंज कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी दिया गया कि वो जोन भी अपना चेंज कर सकते हैं और पोस्ट प्रिफरेंस भी अपना चेंज कर सकते हैं। तो पुराने स्टूडेंट को भी ये मौका दिया गया है, और वहीं ये बताया गया है कि जो नए स्टूडेंट जो अभी पास आउट हुए हैं वो नए आवेदक भी फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। जो अभी पास आउट हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर सर्टिफिकेट उनके पास आ गया हो तो। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या फॉर्म एडिट हो रहा है तो क्या फॉर्म एडिट करने का पैसा लिया जाएगा, कोई शुल्क लिया जाएगा। तो ये जान लीजिए कि जो फॉर्म आपका रीओपन होगा 2 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक, इस बीच में अगर आप फॉर्म में कोई भी एडिट करते हैं या कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना होगा, निःशुल्क आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे इस दरम्यान कोई भी स्टूडेंट जिनका अगर फादर्स नेम मदर्स नेम अगर गलती हो गया होगा तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे, जो पहले अप्लाई कर चुके हैं मदर्स नेम और फादर्स नेम वो चेंज नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जोन अपना चेंज कर सकते हैं और पोस्ट प्रिफरेंस अपना चूज कर सकते हैं, और इस दरमियान पुराने स्टूडेंट नया फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वरना दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो स्टूडेंट वही बोल रहे थे कि फॉर्म एडिट अगर करना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो जो नए नए स्टूडेंट अप्लाई करेंगे 16 अक्टूबर तक है फॉर्म अप्लाई करने का डेट, और 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक फॉर्म में मॉडिफिकेशन या एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि पर मॉडिफिकेशन पर एडिट जो कीजिएगा, जो भी एक एडिट कीजिए पर करेक्शन के लिए आपको 250 रुपये फी लिया जाएगा। अगर आप एक बार करेक्शन करते हैं तो आपको एक बार करेक्शन करने के लिए 250 रुपया फी लिया जाएगा, यानी कि फी लगने वाला है 17 तारीख से 21 तारीख के बीच। फॉर्म जब भराना बंद हो जाएगा उसके बाद मॉडिफिकेशन का खुलेगा 17 से 21, इस बीच में जो मॉडिफिकेशन करेंगे
उनको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप लोग को नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप टेलीग्राम चैनल से जाके ज्वाइन कर जाइएगा। वहाँ पर आपको तैयारी के रिगार्डिंग भी गाइडेंस मिलते रहेगा, और जो भी रेलवे के से रिलेटेड या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई वैकेंसी होगा तो उसका अपडेट आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आगे अगर कोई सूचना आता है तो आप लोग के साथ हम जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।